हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अंजिता श्रीवास्तव। तो गाइज, अभी सुबह का टाइम है और आज मैं सुबह सुबह पैकिंग में लगी थी। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, पैकिंग हो गई है ऑलमोस्ट। और यहां पे मैं बेडशीट वगैरह सब मोड़ के रख रही हूं, क्योंकि अभी मैं सो के उठी थी और लग गई थी पैकिंग में, क्योंकि कल हमें जाना है। कहाँ जाना है वो मैं बताऊंगी जल्दी आप लोगों को। तो हमें लंबे टाइम के लिए जाना है, तो लंबी पैकिंग करनी थी, मतलब ज़्यादा सामान रखने थे। इस वजह से मैं सुबह से ही लग गई थी पैकिंग करने में। उसके बाद मैंने कहा चलो बिस्तर वगैरह ठीक कर दूँगी, क्योंकि अब ये रूटीन वाला यहाँ का आखिरी ब्लॉग है। इसके बाद आपको नए ब्लॉग देखने को मिलेंगे नई जगह से। तो चलिए फिर मैं फटाफट ये सब काम निपटा के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस, अब मैं डायरेक्ट इवनिंग में ब्लॉग बना रही हूँ। तो अभी मैंने क्या किया है, ये मखाना ले लिया है, इसे मैं फ्राई कर ले रही हूँ। एक्चुअली रास्ते के लिए मैं थोड़ा बहुत स्नैक्स रेडी कर रही हूँ, तो मैं मखाना भून रही हूँ, मखाना और मूंगफली, थोड़ा सा चिवड़ा भूनूंगी। और आ गए ये करने बगल से, भून के मैं लूँगी रास्ते के लिए, मतलब कृषि भी खा लेगा, हम लोग भी खा लेंगे। तो बस वही बना रही हूँ मैं यहाँ पर। ऋषि और उनके डैडा को मखाना फ्राई बहुत पसंद है, तो मैंने कहा ऐसे ले लाओ, फ्राई कर लेती हूँ, रास्ते के लिए हेल्दी स्नैक हो जाएगा। और बाकी तो कुछ ना कुछ खरीद ही लेंगे। वैसे हमारी रात की ट्रेन है, तो हम रातों रात मतलब पहुँच जाएंगे, सुबह पहुँचेंगे, रात भर चलना है हमें, रात में तो सोते ही रहेंगे। तो खैर, मैंने कहा थोड़ा बहुत बना के रख लेती हूँ, क्योंकि ट्रेन का क्या भरोसा। तो सामान बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। तो खैर, अभी यहाँ पर चल रही है, मेरी बातें भी हो रही थी, पता नहीं कौन था, शायद कान्हा था, वो मुझसे कुछ बात कर रहा था, और साथ में मैं इसको फ्राई भी कर ले रही थी। अभी मखाना फ्राई हो गया, तो उसी कढ़ाई में मैं मूंगफली भी फ्राई कर ले रही हूँ। और मखाना मूंगफली में हल्का सा भुना ज़ीरा पाउडर, काला नमक और सादा नमक डाल दो, और लाल मिर्च तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मैं लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि कृषि को लाल मिर्च नहीं देती मैं। तो बस यही सब मिक्स करके एक घर जैसी नमकीन बन जाती है, और अच्छी भी बहुत लगती है। तो शाम हो गई है, थोड़े बहुत स्नैक्स बना लिए मैंने, क्योंकि कल हमें निकलना है। और अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़े छोटे मोटे काम है, मैंने एक्चुअली चश्मा टेस्ट कराया था, तो वो बन गया है, वो लेना है। बाकी और छोटे मोटे काम है रास्ते के लिए, थोड़े बहुत और स्नैक्स वगैरह ले लेंगे, कृषि खाएगा। तो ये रहे ये। तो आज आप लास्ट इवनिंग ब्लॉग देख रहे हैं यहाँ का, कल से हम लोग कहीं और रहेंगे, है ना किट्टू? हाँ, अंगूठा नहीं पीते हैं,
बोलो हेलो हेलो गाइस, बोलो चाय पीना है? चाय पूछो, चाय ऐसे नहीं बोलो, चाय। तो बस अभी हम लोग बाहर आ गए हैं, मतलब मार्केट जाने के लिए। कृषि को नहीं लेके आए क्योंकि वो परेशान करता है, वो बाबा के पास से खेल रहा है। और अभी हम लोग आ गए हैं बाहर छोटे मोटे काम करके, फिर घर जाएंगे। और फिर मैंने लिया था मैंगो शेक क्योंकि मुझे मैंगो शेक बहुत पसंद है। और इसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस। हमारा काम हो गया है, छोटा मोटा काम था सारा काम हो गया है। तो ये देखिए मुझे लग गया है चश्मा। तो कैसा लग रहा है बताना? चश्मिस लग रही हूँ ना मैं, मतलब मुझे ऐसा डेली लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत माइनर सा है, 0.5 है एक आँख में, एक आँख में। ऋषे एक आँख में 0.5 है, एक आँख में 0.25 है, ज़्यादा नहीं है। बट वही है कि थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है आँखों पे, तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि अगर आप लगा के रखेंगी तो बेटर रहेगा। तो मैंने कहा चलो कुछ दिन लगा के देखते हैं, प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो खैर ये देखिए कैसा लग रहा है बताना मेरी शक्ल पे, मैं चश्मिस लग रही हूँ। तो खैर आज हमारा यहाँ लास्ट डे है, कल हमें निकलना है। पैकिंग वैकिंग ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा बहुत सुबह देख लेंगे, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है कुछ ना कुछ। और कृषि की भी पैकिंग डन है, खाना पीना थोड़ा बहुत रख लिया है, स्नैक्स वगैरह। वैसे हमारी रात की ट्रेन है तो हम सुबह पहुँच जाएंगे जहाँ हमें जाना है। कहाँ जाना है कल बताती हूँ आपको, आज थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, ठीक है? कल बता दूँगी कहाँ जा रहे हैं। तो खैर अभी बस गए थे मार्केट, छोटा मोटा काम था, चश्मा लेके आई, छोटे छोटे काम थे जो मतलब रास्ते के लिए वो किया है। तो चलो फिर देखते हैं क्या क्या शूट कर पाती हूँ मैं, जो जो हो पा रहा है कर ले रही हूँ। शायद ये लास्ट वीडियो होगा यहाँ का, तो चलो फिर मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग गाइज, तो हो गई है सुबह और अभी मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, और आज ही हम लोग को निकलना भी है तो मैंने कहा नाश्ता बना देती हूँ पहले सबके लिए। तो चलिए फिर आपके साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ। मैं सिंपल सी मैक्रोनी बनाती हूँ, ऐसी मेरे घर में सबको पसंद है, बट बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ पे मैं चश्मा लगा के एक्चुअली एडिटिंग कर रही थी, सुबह सुबह उठ के मैं एडिटिंग करती हूँ तो चश्मा लगा हुआ था, तो वही फिर खाना भी बनाने लगी। बट अभी मुझे ना आदत नहीं है तो अजीब सा लगता है। तो खैर यहाँ पे मैंने क्या किया, तड़का लगाया सबसे पहले, प्याज मिर्च और जीरा का तड़का लगा दिया है तेल डाल के। और इसको तड़के को हम कलर चेंज होने तक पका लेंगे। और मैक्रोनी को मैंने बॉयल कर लिया है पानी में, थोड़ा सा तेल और नमक डाल के मैक्रोनी को बॉयल कर लीजिए। उसके बाद इस तरह से तड़का लगा देंगे हम। जैसे ही तड़का हो जाएगा इसके बाद मैं इसमें लहसुन और अदरक कूट के डाल दूंगी, आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। मैंने कूट के डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हम इसको हल्का सा सौते कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए, बस इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। बस हम इसे ऐसे चला के पका लेंगे। और इसके बाद जब ये पक जाएगा तो मैं इसमें मैक्रोनी ऐड कर दूंगी जो मैंने बॉयल करके रखी थी। और इस तरह से आप बना के देखना, बहुत टेस्टी लगता है, मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद है। आप चाहो तो इसमें वेजीज भी ऐड कर सकते हो इसी स्टेज पे, सब्जियां वगैरह जब हम तड़का लगाते हैं उसमें ऐड कर सकते हो, गाजर शिमला मिर्च ये सब। बट मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में थी, मुझे पैकिंग भी करनी है, मतलब आज फाइनल पैकिंग है, आज ही हम लोग को निकलना है। शाम को 5 बजे हम निकलेंगे कानपुर के लिए, कानपुर से हमारी ट्रेन है। तो खैर अभी यहाँ पे मैंने इसमें टोमेटो सॉस ऐड कर दिया है और मैंने लगभग 2 चम्मच डाला है। इसके बाद मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, ग्रीन चिली सॉस। ये भी आप मतलब चिली तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, जितने कम ज़्यादा लोग खाते हो, तड़के में भी चिली पड़ी हुई है तो उस हिसाब से डालिएगा। और दोनों सॉस डाल के आप इसमें सोया सॉस भी ऐड कर लीजिए और विनेगर भी, मैंने नहीं ऐड किया है। इसके बाद फिर इसमें नमक डाल देंगे हम और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और आप टेस्ट करके देख लीजिए, अगर आपको कोई भी सॉस कम ज़्यादा लग रहा है तो उस हिसाब से आप बैलेंस कर सकते हो। तो बस इसमें मैं नमक डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और बहुत टेस्टी लगती है ये वाली मैक्रोनी, ट्राई करना। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद है मेरे घर में। हल्का सा मिठास भी रहता है क्योंकि इसमें टोमेटो सॉस भी है और हल्की सी मतलब तीखापन भी रहता है, चिली सॉस भी है, तो बहुत अच्छा लगता है। नमक भी रहता है, बढ़िया लगता है। आप चाहे तो विनेगर ऐड कर लो, मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरे घर में खट्टा लोग कम पसंद करते हैं, विनेगर डालने से अच्छा टेस्ट आता है। खैर अभी मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दे रही हूँ क्योंकि हम नॉर्थ इंडियन का बिना चाट मसाला के काम नहीं चलता, चटपटा टेस्ट चाहिए हमें। तो इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया और बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी यम से मैक्रोनी बन के रेडी है। आप चाहो तो धनिया डाल दो, बट मैं नहीं डाल रही हूँ।
क्योंकि हर चीज में धनिया अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इसमें धनिया नहीं डाल रही हूँ। नहा लिया है और आज हम लोग को निकलना है। देखिए कौन आया, पैट्रिक। हेलो रणवीर, बहुत सारे नाम है इसके, जितने लोग उतना नाम जानते हैं तुम्हारा मेरे घर में। तो ये आगे क्योंकि हम लोग इसको लेके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी, ये सस्पेंस है, ठीक है। हम लोग जब ट्रेन में बैठ जाएंगे तब बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। और हाँ, अभी मैंने नहा लिया है और कृषि को सुला दिया है, दोपहर हो गई पैकिंग वैकिंग करने में। 5 बजे निकलेंगे ना हम लोग, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है वो लखनऊ से नहीं है, वो कानपुर से है। तो हम कानपुर जाएंगे, उसके बाद वहाँ से ट्रेन है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे इतनी दूर से ट्रेन क्यों है, तो मैं बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर प्रियंका दी और मम्मी जी बना रही हैं हमारे रास्ते में ले जाने के लिए खाना। तो खाने में मम्मी बना रही हैं पुआ, क्योंकि पुआ जो होता है ना वो लंबे समय तक चलता है, ख़राब नहीं होता है, तो इसलिए मम्मी पुआ बनवा रही है, मतलब मीठी पूड़ी। ये देखिए, तो ये प्रियंका दी ने इसमें फोर्क से डिज़ाइन भी बना दिया है, ऐसे ऐसे करके अच्छा लग रहा है देखने में। तो दीदी बेल रही थी, मम्मी छान रही हैं, और एक तरफ मम्मी ने आलू फ्राई कर दिया है। ये सब रास्ते के लिए बना रही हैं। तो चलिए फिर, अभी मैं रेडी होकर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइज़, यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए, मैं ये कृषि तीनों रेडी हो गए हैं। चलिए फिर, ये ब्लॉग लंबा हो जा रहा है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग देखना ना।